रोज लो ना मिले तो सरदार जी की वीडियो देख लो, वीडियो देख लो, रोज 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 लो, तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मजे में? या मजे में चाहिए? गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स सिस्टर्स। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो सरदार जी की वीडियो देख लो। तो दोस्तों, सरदार जी आज आ गए हैं नीति जूस कॉर्नर पे, QU ब्लॉक पीतमपुरा में। और यहाँ पे ना यार, एक खास बात है, यहाँ पे एक मैंगो शेक मिलता है भाई। और लास्ट 30 ईयर से ये सर्व हो रहा है बिल्कुल सेम क्वालिटी में। और यहाँ पे जो है कि फूड मिलता है यार, बहुत ही अमेजिंग मिलता है। और इतना फूड है यहाँ पे कि एक वीडियो में तो कवर करना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी आपके लिए दो नगीने छाटे हैं हमने अभी के लिए, और इसके बाद भी वीडियोस बनती रहेगी। तो आज हम स्पेशल नीति जूस कॉर्नर का मैंगो शेक आपको दिखाने वाले हैं कैसे बनता है। तो एक है नीति स्पेशल कुरकुरे बर्गर। तो दोस्तों, फटाफट चलते हैं, इनके ऑनर से बात करते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं, कैसे खिलाते हैं, क्या है इनकी स्टोरी, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, और फिर वापस इसी टेबल पर आते हैं। क्या बात है राकेश अरोड़ा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो वीर जी, आप थोड़ा बताएं नीति जूस के बारे में। हमने बड़ा सुना था पहले, बड़े आउटलेट्स हमने देखे दिल्ली में हर हर जगह पे, और आजकल वो कम दिखते हैं थोड़ा। उसका थोड़ा बताइए, और कैसे शुरुआत की, और मतलब क्या स्टोरी है? 1994 में स्टार्ट की थी, 1994 में स्टार्ट किया। पीतमपुरा से स्टार्टिंग थी हमारी। अच्छा, ये मेन ब्रांच है? ये मेन है। अच्छा, हेड ऑफिस यही है। वीर जी ने मतलब पकड़ा गया स्पेशल की पाजी, आप हमारा मैंगो शेक तो ट्राई करके ही जाना, और मैंगो शेक के चक्कर में पता नहीं क्या क्या ट्राई करवा दिया। बट यार, हंसी की बात है, जो भी ट्राई करवाया औसम लगता जा रहा था। उसमें से दो चीज़ें आपको अभी आज हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं, और उसके बारे में बात करते हैं। सर, पहले मैंगो शेक से बात करते हैं। आपका मैंगो शेक स्टार्टिंग से? यस, हमने 1994 से हम ये चला रहे हैं। अच्छा, और स्टील के बाउल में देते थे, स्टील के मग्गे में। अच्छा, बाउल में, वाओ, स्पून के साथ। लोग कहते थे खाना है या पीना है, हम कहते खा के देखो फिर पीना। ओए होए होए, माय गॉड। उसके बाद हमारा ये पूरे मतलब दिल्ली के कोने कोने से हमारे पास पीने आने थे, क्योंकि बाउल में पूरी दिल्ली में एक फर्स्ट हम थे जो देते थे इस तरह से। उस टाइम क्या रेट होते थे? मतलब 60 रुपए हम मैंगो शेक का देते थे उस टाइम। 1994 में 60 रुपए? दिल्ली में 10 रुपए मैंगो शेक बिकता था। भाई साहब, बट क्वालिटी देते थे? हाँ, क्वालिटी देते थे। कस्टमर कहता था कि पैसे वर्थ है हमारे, खाने के बाद कहता था, पीने के बाद कहता था कि मजा आ गया। पर आज भी वही क्वालिटी? आज भी वही क्वालिटी है। मैंने देखा आम कितने चुन-चुन के लेके आते, इतने बड़े बहुत बड़े बड़े, जो नंबर वन क्वालिटी है वही कोशिश करते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट की भी और इसकी भी। ये आम के कोई नंबर भी होते हैं या ये किस किस ब्रीड के आम? सफेदा, सफेदा। अच्छा, सफेदा है ये? सफेदा। और मतलब यार, ये तो एक ही आम 1 किलो का लग रहा है हमें कम से कम। हाँ जी, वाह। अच्छा, और क्या खासियत है? मतलब हम मशीनों में जैसे करते हैं, तो आप कैसे बनाते हैं मैंगो शेक में, क्या क्या डालते हैं? मैंगो शेक में जो वैसे तो हमारी फ्लेवर हैं सारे शेक्स के, मैंगो शेक के अंदर आइसक्रीम है, मिल्क और अपना दूध है, ड्राई फ्रूट है, ये सब डालते हैं। फ्लेवर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। ओके। जो शुगर सिरप डालते हैं वो हमारा अपनी रेसिपी है। वो रेसिपी नहीं है भाई, वो ही रस है असली, और टेस्ट वही है। तो भाई, आपने देखा कितनी खूबसूरती से ये बना है, कितने साफ सुथरे ढंग से बनाया है, और एक एक काजू किशमिश मतलब कैसे कैसे कोके जड़ दिए एकदम आपने। तो भाई देखो, इस तरह से हुआ है ये। और आपका जो नाम लेके आएगा उसको 10% डिस्काउंट भी है। लो जी, टेंशन ही कोई नहीं, काले चिट्टे भी यार डिस्काउंट ही ले लो, छुट्टी। तो अब आते हैं जी बर्गर के ऊपर। तो ये बर्गर भी मतलब ये शुरू से ही आपका वो मतलब किचन थी साथ में, या ये अभी स्टार्ट करी है? ये अभी स्टार्ट किया है, ये दिसंबर से। ये दिसंबर से स्टार्ट करी है? 31 दिसंबर से। और उसमें इतनी इनोवेशन? हाँ जी, 31 दिसंबर से सारा ये। तो ये रेसिपी सारी आपकी अपनी? सारी अपनी है। तो थोड़ा बताइए, इस बर्गर की रेसिपी तैयार करी कैसे? मतलब सब बनाते हैं क्रंची बर्गर, तो आपने सीखा कैसे या कहाँ से मतलब सोचा कि ऐसा बनाऊँ मैं? ये तो मोटिवेट हमारे बच्चों ने दिया है। अच्छा, बर्गर बनाओ, क्रंची बर्गर बनाओ। वाजी वाजी। और फिर 2 बार ट्राई किया, 4 बार किया, 10 बार किया, फिर जब फाइनल हो गया उसके बाद हमने तो थोड़ा बताएंगे कि टिक्की हम जो यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? लाइक वो मैकेनिक। अच्छा, वो मैकेनिक यूज़ करते हैं, वो आपकी अपनी? वो अपनी नहीं है हमारी।
चलो बहुत बढ़िया सर। तो मैकेन में भी क्वालिटीज आती है, कौन सी आलू टिक्की है? मिक्स है, आलू टिक्की। अच्छा, आलू टिक्की है मैकेन की। अच्छा, तो उसके बाद हमने देखा कि जो प्लेट भी सजाई थी आपने, बड़ा कुछ उस पर लगा के दिया। सारी प्रेजेंटेशन हमारी अपनी है, वो भी आपकी अपनी है? नहीं, मतलब जो कस्टमर आता तो उसको भी ऐसे सेम देते हैं, सेम बस पैकिंग में भी ऐसे पैकिंग होता है। मतलब बीवी खुश हो जाएगी, यार इनके यहाँ से कोई सामान ले जाओ ना, मजा आने वाला है। तो मतलब जो प्रेजेंटेशन आपने हमारे टेबल पे देखी, वही प्रेजेंटेशन आपको यहाँ मिलेगी सेम, लेकिन वो यहाँ के लिए है। अगर आप पैकिंग कराएंगे तो आपको बॉक्स में मिलती है, ये बात है। अच्छा, कोई और खास बात अपने, ये जो क्रम्स होते हैं, इस ये क्रम्स किसके यूज़ कर रहे हैं आप? ये कॉर्नफ्लेक्स है। अच्छा, ये कौन, मतलब जो प्रेजेंटेशन आपने हमारे टेबल पे देखी, वही प्रेजेंटेशन आपको यहाँ मिलेगी सेम, लेकिन वो यहाँ के लिए है। अगर आप पैकिंग कराएंगे तो आपको बॉक्स में मिलती है, ये बात है। अच्छा, मैंने देखा कि इसमें चीज़ भी डाला आपने। हाँ, मजेला चीज डालते हैं, कोई बर्गर के अंदर मैं वही हैरान था, कोई भी नहीं डालता। मतलब टिक्की भी हो गई और ये सब चीजें होगी, मजेला चीज भी हो गया आपने, खीरा, टमाटर, मैं कहना बल्ले बल्ले करा दीजिए। कोशिश तो यही रहती है कि बढ़िया जाए, बिल्कुल हो जाए तो बढ़िया जाए। इसकी कॉस्ट क्या है जी? ओनली 100 ₹100। अच्छा, आपकी डिलीवरी भी है आसपास? आसपास सब जगह है जी, उत्तरी पीतमपुरा, टीवी टावर, सब जगह है, और फ्री होम डिलीवरी है। फ्री होम डिलीवरी, मिनिमम ऑर्डर कुछ भी मंगाओ, चाहे ₹100 का बर्गर, ₹100 का बर्गर। भाई साहब, पीतमपुरा वाले की तो चांदी हो। बहुत लोग इनको जानते हैं, फिर भी मैं इनका डिस्क्रिप्शन में एड्रेस लोकेशन डाल दूंगा। थैंक यू सो मच अरोड़ा जी, आपने इतना टाइम दिया हमें और ये सब बनाने का मौका दिया। अब हमें कस्टमर की टाइमिंग भी हो रही है, तो चलो दोस्तों अब चलते हैं टेस्टिंग टेबल पर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से बनाया इन्होंने, कितने साफ सुथरे तरीके से। तो दोस्तों, लग गया है हमारा फूड। जैसे कि आप देखो, ये बर्गर है दोस्तों, इसकी कॉस्ट है मात्र ₹100। देखो, कुरकुरे बर्गर तो बहुत खाए होंगे यार, लेकिन ऐसा बर्गर नहीं खाया होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। देखो, तीन तीन डिप आपको साथ में मिल रही है इसके, देखो वाव। और बर्गर के अंदर देखो यार, मतलब लेयर्स देखो यार आप, अमेजिंग। अब ये है इनका स्पेशल मैंगो शेक, भाई साहब लाइक कर दो एक बार, जिसके मुँह में पानी आ गया हो, ठीक है कि नहीं? वाह जी वाह, मतलब अमेजिंग है यार ये, देखो है ना, और इतना गाढ़ा है ना यार ये, देखो आप, ओए होए होए होए, ये देखो। तो भाई, पहले बर्गर खाते हैं, टेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर मैंगो शेक टेस्ट करेंगे। हाँ जी दक्ष, उठाओ। वाह जी वाह, ये देखो, ओए होए होए होए, मजा आ गया। छतरी उतारते हैं भाई, और ये क्रिस्पी क्रिस्पी बर्गर है। अब एक बार में तो पता नहीं दक्ष ने कैसे खा लिया, मैं तो भाई इसको एक बार में टेस्ट भी ना कर पाऊँ, इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा इसके लिए। तो ट्राई करते हैं। नाइस, एक बाइट और। तो भाई, देखा आपने कितना क्रंच था इसके अंदर, और सबसे अच्छी बात लगी इसके अंदर यार, मोज़रेला चीज़ भी डाला हुआ है, जो कि अपने आप में एक अलग से फ्लेवर दे रहा है। क्वालिटी में कहीं भी कमी नहीं है। ₹100 में ऐसा क्रंची बर्गर मैंने तो यार कहीं नहीं खाया। आपने खाना तो आपको आना पड़ेगा नित्य जूस कॉर्नर पर। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे मैंगो शेक की। देखो आप, अमेजिंग अमेजिंग मैंगो शेक है, देखो है कि नहीं दोस्तों? दक्ष, ये आपके लिए, आप ट्राई करो, हम इसको ट्राई करते हैं, बताओ कैसा है ये। ओके, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और गाढ़ा बड़ा है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाले इसके अंदर। तो भाई, अमेजिंग चीज़ है ये भी। तो दोस्तों, वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो जो लाते हैं हम, हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो के अंदर। आपको भी अगर पता हो कि आपके गली मोहल्ले नुक्कड़ में कोई ऐसा अच्छा फूड मिलता हो, हाइजीन, साफ सुथरा, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज करें, उनकी फ़ोटोज़ डालें, ताकि हम वहाँ पे जाके भी कवर कर सकें। तो अभी हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।